छोड़िया, ये फूल तुम बेचती हो? हाँ जी भैया, मैं ही बेचती हूँ। आप बताओ आपको कौन से फूल दूँ मैं? तो तुम तो पढ़ाई कर रही हो ना? हाँ जी, वो मेरे 10वीं के पेपर आ रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। आप बताओ आपको कौन से फूल चाहिए? तो तुम्हें यहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती? होती तो है भैया, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ की तबीयत खराब है और अगर मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पे तो घर का खर्चा भी चलेगा और माँ की दवाइयाँ नहीं आ पाएगी, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। क्या हुआ उनको? माँ कुछ महीनों से बीमार चल रही है। और पापा? पापा जब मैं 5 साल की थी तब वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ पे हादसा हुआ, उन्होंने गुजर गए, तब से माँ ने संभाला मेरे को। बुरा लगा सुन के, पर बेटा यहाँ तो तुम्हें बहुत डिस्टर्ब होता होगा ना पढ़ाई करने में। हाँ जी भैया, होती है, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है और माँ को अच्छे घर में रखना है, अच्छे कपड़े पहनाने और अच्छा खाना खिलाना है, तो इसलिए। उम्र छोटी है तो तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। जी भैया थैंक यू। आप बताओ आपको कौन से फूल दूँ मैं? अच्छा, एक गुलाब कितने का है? 20 रुपए का भैया। और तुम्हारे पास कितने होंगे? मेरे पास 50 के आसपास होंगे। एक काम करो, मुझे सारे गुलाब दे दो। सारे गुलाब? हाँ, और ये रखो। इतने पैसे क्यों भैया? मेरे गुलाबों के तो 1000 रुपए के आसपास बन रहे हैं, तो 20,000 रुपए है, इतने पैसों का मैं क्या करूँगी? 1000 रुपए तुम्हारे फूलों के और बाकी तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी माँ की दवाई के लिए। धन्यवाद भैया, पर इतने पैसे मैं नहीं ले पाऊंगी, ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा है पर तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे जज्बे से ज्यादा नहीं है। तुम्हारे अंदर मेहनत करने का, पढ़ने का इतना जज्बा है, उसके साथ में कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको सच में इतने फूलों की जरूरत थी? आज मेरी माँ का जन्मदिन है और वो इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारे ये दिए हुए फूल उनकी तस्वीर के सामने चढ़ाऊंगा, क्या पता तुम्हें उनका आशीर्वाद मिल जाए और तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर जाओ। मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बोलती रहती, बेटा तुम मेहनत कर, मेहनत करके तुझे बहुत कुछ बड़ा करना है। और जब मैं मेहनत करके कुछ बड़ा बन गया तो वो नहीं रही, मैं उन्हें कुछ दिखा ही नहीं पाया। तो तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करो और ऐसे ही मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो। जी भैया थैंक यू। दे दो फूल। थैंक यू।